मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में हम कहते हैं समाकलन। और समाकलन को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमको आनी चाहिए, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं या गणितीय संक्रिया। बचपन में हमने पढ़ा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन। जब हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो इन जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेशन। और ये जो चारों ऑपरेशंस हैं, इनको हम मैथमेटिक्स की भाषा में मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिक चार तरह के होते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि रूट, रूट भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। रूट क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ऐसे ही हम हायर क्लास में जब पढ़ेंगे तो और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। तो इंटीग्रेशन भी जो है एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और इंटीग्रेशन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन is a reverse process of differentiation। Integration is a reverse process of differentiation। Integration जो है एक mathematical operation है, और ये mathematical operation differentiation के रिवर्स प्रोसेस पे आधारित है। यानी जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर उसका रिवर्स करें तो हमको इंटीग्रेशन मिलेगा, और इंटीग्रेशन का रिवर्स करें तो डिफरेंशिएशन मिलेगा। डिफरेंशिएशन जो है एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब यह है कि जब कोई बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ होते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि जोड़ने का और घटाने का, यानी सब्ट्रैक्शन का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम जब एक साथ होने लगे तो हम कहेंगे कि ये जो है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन में घटाने का और भाग देने का, यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का एक साथ काम होता है। सब्ट्रैक्शन डिवीजन जब एक साथ होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफिनेशन से ये जाहिर होता है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब इंटीग्रेशन इसका रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, तो इसका रिवर्स आप जानते हैं, सब्ट्रैक्शन का रिवर्स क्या होगा बताइए, अपोजिट बताइए। सब्ट्रैक्शन का जो रिवर्स होता है वो होता है एडिशन, और डिवीजन का जो रिवर्स होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन। तो जब जोड़ने का और गुणा करने का एक साथ ऑपरेशन होता है, यानी जोड़ और गुणा जब एक साथ कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उसको एक पार्टिकुलर नाम इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब जो है इंटीग्रेशन की बेसिक चीजों को, बेसिक फार्मूले में बेस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इंटीग्रेशन का, इससे बड़ा भी इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो इंटीग्रेशन की जो बेसिक फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन का मतलब अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब यह है कि जोड़ने और गुणा करने का काम एक साथ होता है। किसमें? इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में जो जोड़ने और गुणा करने का एक साथ जो साइन इस्तेमाल होता है, इस ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, और आज इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, उसके लिए क्या है, कुछ आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। और इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फार्मूला है वो एक्स टू द पावर एन डी एक्स, यानी जब वेरिएबल एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एक इसमें कंडीशन होती है कि ये फार्मूला जो है हर जगह लागू नहीं होता है, बस एक कंडीशन में ये लागू नहीं होता है। वो कंडीशन हम आपको बता देंगे, जब एन इज नॉट इक्वल टू, ये फार्मूला तभी लागू होगा जब एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, यानी जब एन का पावर माइनस वन ना हो तो ये फार्मूला लगेगा, और जब एन का पावर माइनस वन होगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं ऐसा दे दे एक्स टू द पावर माइनस वन और डी एक्स, इसका मतलब हम समझते हैं कि वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी होता है। बाकी में जो है आप देख रहे हैं कि इसका आंसर दूसरे फॉर्म में आया है, और इसका आंसर दूसरे फॉर्म में आया है। तो बस एक ही कंडीशन है, x टू द पावर जब माइनस वन होगा तो ये फार्मूला फॉलो नहीं होगा, बाकी हर चाहे इसके फ्रैक्शन हो या इंटीजर हो, हर कंडीशन में ये फार्मूला फॉलो होगा। हम सबसे पहले इस फार्मूले पे बेसिस क्वेश्चन करेंगे, और ये एक एक्सेप्शन समझ लीजिए आप, एक अपवाद है, इसको मिटा देते हैं। इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर थ्री यानी एक्स क्यूब पढ़ते हैं इसको, इस फार्मूले को देखेंगे तो अगर यहां पे n है तो n में वन एड किया गया है, और नीचे भी n में वन एड किया गया है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, थ्री में वन एड किया जाएगा और नीचे भी थ्री में वन एड किया जाएगा प्लस c। x टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, ऐसे ही और सारे भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर x टू द पावर फाइव आए और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट x टू द पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। कैसे? हमने फाइव में वन एड किया सिक्स मिला, और नीचे फाइव में वन एड किया सिक्स मिला। अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि इस पे अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, तो नेगेटिव एग्जांपल भी देख लेते हैं।
नेगेटिव एग्जांपल के लिए अगर ऐसा है तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल वैसे ही करना है, x टू द पावर 5 माइनस 5 प्लस 1, नीचे भी क्या होगा माइनस 5 प्लस 1, आंसर क्या मिलेगा हमको x टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। अब तीसरा एग्जांपल हम लेंगे फ्रैक्शन वाला, माइनस से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब तीसरा एग्जांपल जब हम लेंगे, ये फ्रैक्शन वाला लेंगे, चौथा सॉरी, x टू द पावर 2 बाय 3 तो क्या करेंगे यहां पे, x टू द पावर 2 बाय 3 प्लस 1, 2 बाय 3 प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 3 एकम 3 और 3 दो 5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 5 बाय 3 और नीचे भी क्या हो जाएगा 5 बाय 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 3 बाय 5 x टू द पावर 5 बाय 3 प्लस c। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आपको दिक्कत आ रही होगी कि ये c क्या है, बार बार हम c क्यों लिख रहे हैं, तो इस c के बारे में बात करेंगे। C जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। C क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आपने सुना होगा कांस्टेंट, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जैसे वैल्यू, जो कांस्टेंट में जो वैल्यू लेते हैं वो एक फिक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। जैसे हम कहते हैं 4 जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा 4 की वैल्यू 4 ही होगी। और वेरिएबल में क्या होता है कि x की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कहीं x की वैल्यू 1 आती है, कहीं x की वैल्यू 2 आती है, कहीं -1 आती है, कहीं 0 आता है। तो कहने का मतलब x की वैल्यू जो है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा जो है चेंज होता रहता है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग कैसे है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसे अलग है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट को अपने आप में इंक्लूड कर लेता है। कहीं c की वैल्यू जो है 4 हो सकती है, कहीं 5 हो सकता है, कहीं 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू, इसका बिहेवियर जो है कांस्टेंट होते हुए भी वेरिएबल की तरह। अभी एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल में देखते हैं, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अवकलन के 3-4 एग्जांपल्स लेते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल x स्क्वायर प्लस 10। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल x स्क्वायर प्लस 6। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम जानते हैं कि जब dx ऑफ y फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका 0, यानी टोटल आंसर हमको क्या मिला 2x। जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो हमको क्या मिलेगा 2x प्लस 0, यानी टोटल आंसर क्या मिला 2x। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2x प्लस 0, यानी टोटल आंसर 2x। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, जैसे हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इसका रिवर्स होता है, तो जब इसका रिवर्स करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए
जब इसका रिवर्स करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, जब इसका रिवर्स करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसका हम अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो 2 आगे आगे और x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 इंटू x की पावर 1 है यानी 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर मिला, c अभी नहीं लिखते हैं, x स्क्वायर। फिर अगर इसका भी करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिलेगा और इसका भी करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि 5 है कि 10 है कि 6 है, और जब हमको ये नहीं पता है सबका आंसर सेम आ रहा है तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए एक अपने पास से c लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी c की वैल्यू 5 को भी सैटिस्फाई कर जाएगी, 10 को भी सैटिस्फाई कर जाएगी, 6 को भी सैटिस्फाई कर जाएगी, यानी c जो है कांस्टेंट होते हुए भी वेरिएबल की तरह इसका बिहेवियर होता है। अभी तक हमने जो एग्जांपल दिया है बहुत सिंपल एग्जांपल थे, थोड़े से अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको 12th के लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं। जैसे अब ऐसे एग्जांपल्स आने लगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 dx, और आप जानते हैं कि जब भी एक फार्मूला ऐसे समझ लीजिए, फार्मूला नहीं ऐसे समझ लीजिए कि जब भी सिंपल ऐसे हमको करना होता है, इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हमको x मिलता है क्योंकि हम यहां 1 लिख सकते हैं और आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और तो जब उसका अपोजिट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x होगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहां पे देखते हैं इसका आपको फार्मूला याद है, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 को आगे ले लें और ऐसे करें हम इसको, तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3x आएगी, प्लस c लगाना नहीं भूलते हैं क्योंकि जो ये इंटीग्रेशन है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट में लिमिट दिया होता है यहाँ पे, और इंडेफिनेट में लिमिट नहीं दिया होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा छूटी हुई वैल्यू होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x टू दी पावर 5 2x माइनस 6 dx, तो उसे ऐसे ही करेंगे अलग अलग, x टू दी पावर 5 dx प्लस 2 x dx माइनस 6 dx, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 6 अपॉन 6 2 x टू दी पावर x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 x प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम यहां पे लिख सकते हैं ऊपर ऊपर यहां पे लिख सकते हैं x to the power 6 upon 6 x square minus 6 6 plus yeah. और आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमको बताएं अपना जो भी सजेशन हो शेयर करें और आपकी जो दिक्कत होगी दूर की जाएगी। धन्यवाद।